जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रुझान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रुझानों से स्पष्ट है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। वहीं केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिली सड़क निर्माण की स्वीकृति पर मंत्री अरुण साव ने कहा कि 4 जुलाई को 13 सड़कों का 1300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था, जिस पर सीएम साय ने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की, जिसके बाद उनके द्वारा 900 करोड़ के 8 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखिए, जो 10 सालों में हरियाणा की दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बदली है और हरियाणा की जनता ने उसी पर मुहर लगाकर तीसरी बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय किया है, तो निश्चित रूप से जो विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उसी का परिणाम हरियाणा में दिख रहा है और जम्मू कश्मीर में भी हमारे प्रदर्शन बहुत अच्छे होंगे, ये उम्मीद है। केरल के बाद कांग्रेस बहुत उत्साहित थी, तो क्या है, अति आत्मविश्वास था क्या अभी, क्या किस तरह से? देखिए, मैंने जैसे कहा कि आप उत्साहित हों, आपको धरातल मालूम नहीं है कि परिणाम इस प्रकार आएगा। पिछले 10 सालों में हरियाणा की जनता की जो सेवा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरियाणा की दशा और दिशा बदली, हरियाणा में विकास की गंगा बहाई, हर वर्ग के कल्याण का काम किया, उसका ये स्पष्ट रूप से नतीजा दिख रहा है कि हरियाणा ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया। सरकार हटने के बाद भी जम्मू कश्मीर में जो रुझान दिख रहा है।